रीडिफाइन ना करें। तो ये सारी प्रोसेस जो है ये मुझे पूरा श्योरिटी है कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन मेडिसिन और सेंटर फॉर प्रिसीजन मेडिसिन इस पे काम करेगा। मेरे को यहाँ पे कुछ क्लिनिकल डिपार्टमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव दिखाई पड़ रहे हैं, जो एक अच्छा साइन है, लेकिन ये इतना अच्छा साइन भी नहीं है क्योंकि जितने लोग होने चाहिए वो उस नहीं है, सेलेक्टिव लोग हैं। खासतौर से हमारे MBBS, मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम MBBS के स्टूडेंट्स को इसमें ला पाएँ, चाहे वो इंटर्न फाइनल ईयर हो, चाहे वो इंटर्नशिप के हों, और हमारे रेजिडेंट्स को भी हम लोग ला पाएँ, तो इन्हीं में से जो है कुछ ऐसे क्लिनिशियन निकलेंगे जो ना सिर्फ क्लिनिशियन होंगे बल्कि साइंटिस्ट भी बनेंगे। और आज एक देश को इस काम की ज़रूरत है कि हमें एक क्लिनिशियन जो कि आला लगा के मरीज देखता है, और एक साइंटिस्ट जो कि लैब में बैठ के इन्वेस्टिगेट करता है, उसका एक कॉम्बिनेशन हमें ज़रूरत है जो कि दोनों काम करे। और कुछ क्योंकि क्लिनिशियन के जो डेफिशिएंसीज हैं वो क्लिनिशियन जानता है, लैब्स वाले को कन्वे करना में शायद उतना हम कन्वे क्लिनिशियंस ना कर पाए कि हमारी क्या डेफिशिएंसीज है, इसलिए लैब वाले हमारी सारी डेफिशिएंसीज को पूरा नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ऐसे क्लिनिशियन बनाएंगे, एम्स भोपाल को ऐसे क्लिनिशियन बनाने की ज़रूरत है कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, थीसिस को लिखने के लिए सिर्फ इसलिए थीसिस ना लिखे कि मुझे MD MS MCH DM मिलना है, इसलिए लिखे कि हम इससे कुछ आगे कुछ हमें मिलना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो HOD जिन डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्लिनिकल डिपार्टमेंट के लोग, उनको अपने यहाँ के रेजिडेंट्स को भी मोटिवेट करना चाहिए कि वो वहाँ आए, अपने इंटरेस्ट की चीज़ देखें। AI पे भी काम है, प्रिसीजन पे भी काम है, बहुत सारी चीज़ों ने 3D प्रिंटिंग पे इसमें आपका लेक्चर है, तो आप अपने पसंद की चीज़ आएँ और उसको सुने। मैं चाहता हूँ कि जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट हैं उनको ट्रांसलेशन मेडिसिन से के प्रीव्यू में आते हुए अपने यहाँ पे कुछ नई PhD शुरू करनी चाहिए, जो PhDs हैं जिनका ट्रांसलेशन मेडिसिन के हिसाब से, चाहे वो हमारे बायो मार्कर्स हों, मैं वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी द बायो मार्कर फील्ड इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मुझे ऐसा लगता है कि प्रिवेंटिव बायो मार्कर और प्रोग्नोस्टिक बायो मार्कर, डायग्नोस्टिक पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, प्रिवेंटिव बायो मार्कर्स पे और प्रोग्नोस्टिक पे तो शायद बहुत ही कम काम चल रहा है। तो यदि हमारे यहाँ का डिपार्टमेंट प्रिसीजन में, चाहे ट्रांसलेशन मेडिसिन हो या प्रिसीजन मेडिसिन का हो, यदि हम लोग बायोमार्कर्स पे काम करें और ऐसे बायोमार्कर जो कि नॉन इन्वेसिव हो, जैसे सलाइवा, यूरिन, यदि हम उस पे कुछ कर सकते हैं तो हमको उस पे करना चाहिए। और ये मैं काम एक डिपार्टमेंट के सभी सदस्यों को दे रहा हूँ, और इंक्लूडिंग सेंटर फॉर प्रिसीजन मेडिसिन की, हमें एक टाइमलाइन बनाना चाहिए कि आने वाले एक साल डेढ़ साल में हम लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का कोई एक बायोमार्कर ऐसा बनाएंगे हमको और जगहों से और इंस्टीट्यूशन से हमको अलग करेगा। नेक्स्ट चीज़ डीन रिसर्च भी यहाँ पे है, डीन एकेडमिक भी है और बाकी लोग भी हैं यहाँ पे, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन मेडिसिन में दूसरे इंस्टीट्यूट्स के भी काफ़ी लोग यहाँ आए हैं, लेकिन दूसरे इंस्टीट्यूट्स के लिए इंटर्नशिप फैसिलिटीज़ या ऑब्जर्वरशिप फैसिलिटीज़ को कि हम लोगों ने उसके लिए एग्रीमेंट है हमारा कि हम करेंगे, लेकिन शायद उन इंस्टीट्यूट्स में ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि वी आर ओपन फॉर द इंटर्नशिप एंड ऑब्जर्वरशिप। सो व्हाई नॉट टुडे वी डिसाइड टू एक्सटेंड अवर इन्विटेशन टू ऑल द डिपार्टमेंट्स कि आप लोग आएँ, हमारे यहाँ की फैसिलिटी कुछ करें, अपने इनपुट्स दें, हो सकता है कि आपके इनपुट्स से कुछ हम लोगों को भी रिसर्च हाइपोथेसिस हमको मिले और हम आगे बढ़ें।